Tudi age al da samari. Jeo pind sab tera ko nanak sab teri vadhai koi naam na jaane mera. Aadin ka ji chimar ke guru nanak le kya hai. Phir angad te guru madas ram das se hoi sai. अर्जन हर गोविंद नो सिमरौ श्री आलाए श्री आचरण ते आई जिद छे सतुख जाए श्री गुरु तेग बहादुर सिमरिए कानों ने दावे ताए दसम पातशाह श्री गोविंद सिंह जी महाराज सब छाई होना सहाय तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहेब जी आप जी पितर वाणी की महिमा कही न जाए तन तन सतगुरु बालक सिंह साहब सिमरिए जिन्हें धर्म दा मार्ग दिया बताए तन तन सतगुरु सिंह जी तन तन सतगुरु राम सिंह जी जिन्हें नाम दिया बताए तन तन सतगुरु नारायण दास साहब जी जिन जम चौन या चढ़ाए तन तन सतगुर साधु राम साहेब जी जिन चरणी याद गाए तन तन सतगुरु भगवान दास जी जो अंते होए साहे तन तन सतगुरु सेवा राम साहेब जी जो अंग संग होए साहे निमानिया दे मान सतगुरु नीतानिया दे तान सतगुरु नियो ज्ञान दियो त्रियाचियों के आसरा नील ज्ञान दी लज निपत्यां दी पत गुरु गरीब निवास सच्चे पातशाह जी आप दी अजूरी संगता कतर होके आप दे चल कमला चा दास बेनती जोड़ियां कर ज्ञान पाशा कीता लूड़िए कम सुहर प्यार किए काले जय सुहार सतगुर सच साखिए संतां संग निधान अमृत जाखिए पै पंजन मेरवान दास की राखिए नानक हर गुण गाया लख प्रभ राखिए आप जी जे मां वाक अनुसार आप जी जो आसरा लै आप वेर करनी बख्शिश करनी शुद्ध वाणी पढ़न दा बल बख्शना जो आप जी मिठे मिठे वचन करोगे ये आप जान संगतां दे हिरदे चुरसाने बख्शे ते रामता करनी आप आजा आप इन्हां संगतां नूं आप उदम उचा बख्श के आपने दस दरबार दी हाजरियां बख्शनी आप आजा बख्शिश ना विछड़ी ना विछाणी ना भुली ते ना भुलावी जनां दा प्यार बख्शना अमृत वेल का जागरण बख्शना इशनान का दान बख्शना दोनों कदम चने बख्शना स्वास स्वास भजन करने की ताकत बख्शनी आपने सुसाहब के सचन सचखंड दरबार दियाँ हाजरियाँ बख्शियाँ बख्शे तेरे अमतां करनिया सर्वत संगत दे पातशाह जी अदास बेनती है पातशाह तुम करो दया मेरे साईं ऐसी मत दीजिए मेरे ठाकुर सदा सदा तो त्याई बख्शिश करनी है आप जी के हुक्म अनुसार चार पैर सुखली वचीत हुई है दिन चलिया पातशाह जी आप जी का कोट कोट शुकराना अपनी गोद बख्शी ने बाकी अमृत वेले दी बाकी दा दिन खुदा बतावना सही सजन मेलना जिन्हां मेरिया उच्चा सुचा नाम चेता हो श्री गुरु नानक नाम चल जी कला तेरे पानी सरबत का पला तारे अजान ले अभिमान जिनी दर्शन पाया जिनी तुदनो तन किया तिन जम नेड़ नाया तारिया जहान लिया अभिमान जिनी दर्शन पाया जिनी तुदनो तन किया तिन जम नेड़ न आया
तारिया जान लिया अभिमान, जिनी दर्शन पाया, जिनी तुदनो तन के आ, तिन जमने नाया। तारिया जान लिया अभिमान, जिनी दर्शन पाया, जिनी तुदनो तन के आ, तिन जम नेड़ नाया। तारिया जहान लिया अभिमान, जिनी दर्शन पाया, जिनी तुदनो तन किया, तिन जम नेड़ नाया। तारिया जहान लिया अभिमान, जिनी दर्शन पाया, जिनी तुदनो तन किया, तिन जम तारिया जहान लिया अभिमान, जिनी दर्शन पाया, जिनी तुदनो तन किया, तिन जम नेड़ नाया। तारिया जहान लिया अभिमान, जिनी दर्शन पाया, जिनी तुदनो तन किया, तिन जम नेड़ नाया। तारिया जहान लिया अभिमान, जिनी दर्शन पाया, जिनी तुदनो तन किया, तिन जम नेड़ नाया। तारिया जहान लिया अभिमान, जिनी दर्शन पाया, जिनी तुदनो तन किया, तिन जम नेड़ नाया। तारिया जहान लिया अभिमान, जिनी दर्शन पाया, जिनी तुदनो तन किया, तिन जम नेड़ नाया। तारिया जहान लिया अभिमान, जिनी दर्शन पाया, जिनी तुदनो तन किया, तिन जम नेड़ ना। तारिया जहान लिया अभिमान, जिनी दर्शन पाया, जिनी तुदनो तन किया, तिन जम नेड़ नाया। तारिया जहान लिया अभिमान, जिनी दर्शन पाया, जिनी तुदनो तन किया, तिन जम नेड़ ना। तारिया जहान लिया अभिमान, जिनी दर्शन पाया, जिनी तुदनो तन किया, तिन जम नेड़ नाया। तारिया जहान लिया अभिमान, जिनी दर्शन पाया, जिनी तुदनो तन किया, तिन जम नेड़ नाया। तारिया जहान लिया अभिमान, जिनी दर्शन पाया, जिनी तुदनो तन किया, तिन जम नेड़ नाया। तारिया जहान लिया अभिमान, जिनी दर्शन पाया, जिनी तुदनो तन किया, तिन जम नेड़ नाया। तारिया जहान लिया अभिमान, जिनी दर्शन पाया, जिनी तुदनो तन किया, तिन जम नेड़ नाया। तारिया जहान लिया अभिमान, जिनी दर्शन पाया, जिनी तुदनो तन किया, तिन जम नेड़ नाया। तारिया जान लिया अभिमान, जिनी दर्शन पाया, जिनी तुदनो तन किया, तिन जम नेड़ ना।
मन साचा मुख साचा सोए साचा तेरा नाम जी निरपोते निरवैरे मेरे सतगुर सेवा सतगुर सेवा राम जी साढ़े अंग संग होए साए सतगुर सेवा राम जी साढ़े सहाय साहिब संत माता कीता है कमाल सारे आनों इकट्ठा करके रखिया है संभा नाम जप दे नाम जपां दे ए है इनां दा कारोबा तन तन श्री गुरु नानक जावा चरना तो भलिया तन तन छेवें पातशाह दे जावा चरना तो भलियार तन तन साहेब संत माता जी दे चरना तो भलियार जावा चरना तो भलियार तन तन सतगुरु सेवा राम साहेब तन तन साहेब संत माता जी आप जी नु कोट को दंडोत वंदन अनकवार सर्व कला समरथ डोलन तेरा खो प्रभो नानक दे करे हथ होवे सिपतिख समदी नूरे अर सो कुर सो चटी तुद जिथे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी मैं गरीब सच टेक तू मेरे सतगुर पूरे देख तुम्हारा दर्शनो मेरा मन तारे जान लया विमान जिनी दर्शन पाया जिनी तुदनो तन किया तिन जम नेड़ना जिनी तुदनो तन किया तिन जम नेड़ना एक्योंकार सतगुर प्रसाद तन तन श्री सतगुरु बालक सिंह साहेब सचे पातशाह जी तन तन श्री सतगुरु बाबा संगता साहेब सचे तन तन श्री सतगुरु नारायण दा साहेब सचे पातशाह जी तन तन श्री सतगुरु साधु राम साहेब सचे पातशाह तन तन श्री सतगुरु भगवान दा साहेब सचे पातशाह जी
तन तन श्री सतगुरु सेवा राम साहिब सच्चे पातशाह तन तन साहिब संत माता जी आप जीनु कोट कोट नमस्कार। जद इस शब्द की कथा भाई जवहरी ने सुनी तो लोट पोट हो गया, स्वाद ते रस विच ऐसा मगन होया जो देह दी कोई सुध ना रही। चार घड़ियां भाई जवहरी बदे रहा, जद दे विच आया तां श्री सतगुरु बाबा संगतार साहिब जी दे चरणा ते मत्था टेकिया ते बेनती कीती जो सच्चे पातशाह जी इस शब्द विच तुक आई है जो आप ते अक्सरणी पवा मुख बोली मिठड़े वैण। जिसकी तुसा हुणी कथा कीती है कि कोई अजिहा सिख अगे भी होया है या नहीं जिसने आपा भाव त्याग कर सोहनी मिठी बोली बोली होवै। असी तो नज़र मारते हाँ तो असानू कोई नज़री विच नहीं आउंदा। तां श्री सतगुरु बाबा संगता साहिब जी ने आख्या जो भाई जवहरी जेड़ी बाणी श्री सतगुरु अर्जन देव जी ने श्री दरबार साहिब जी विच लिखी है ऐ अखर अखर वरतों विच आई होई है। किसी चीज़ का बीज नाश नहीं पर श्री सतगुरु जी ने अपनी बाणी विच ही फैसला कर छोड़िया है। कोट मदे को विरला सेवक होर सगले ब्योहारी। सो कोटां विचों विरले ते विरलियां विचों कोई कद सेवक आपा पाओ त्यागण वाला मिलदा है। असी तुसानू एक साखी सुनांदे हाँ तो साड़ी आपे निशा हो जासी जो स्वार्थक कम्मा विच उस सिख दी कितनी उच्ची नज़र सी ते परमारथ विच भी श्री सतगुरु नानक देव जी का वचन पाए कर एक गुलाम दा गुलाम बनिया। सो साखी इस तरह है, एक समय श्री सतगुरु नानक देव जी भाई बाला ते भाई मरदाना तिने जा रहे सन। सो जांदिया जांदिया भाई मरदाने नू डाढ़ी भुख लगी क्योंकि दो तीन दिन तो श्री सतगुरु जी टुरी ही गए, कोई बस्ती रस्ते में नज़र ना आई। तो भाई मरदाना भुख दे हथों डाढ़ा चिथा पिया ते श्री सतगुरु नानक देव जी नू आखन लगा जो तुसी तां पौण आहारी हो ते असी संसारी जीव अन्न पानी तो बिना किस तरह रह सकते हाँ। किरपा करके या तो अपने वर्गा कर लवो ते या खावण लई कोई देवो। यह गल भाई मरदाने जी सुन के श्री सतगुरु नानक देव जी हसे ते आख्या मरदानिया भुख डाढ़ी लगी हई, ओ देख सामने शहर आ गया है, उत्थे जाए कर
प्रसाद पाए लमी। ताम भाई मरदाने ने आख्या, जो जी शहर तो सामने नज़र आमदा है पर साढ़े पले कुछ भी नहीं, ते बिना पैसों कौन खाण नूं देंदा है। तां श्री सतगुरु नानक देव जी ने रेत विच एक ठुड्डा अपने चरणा नाल मारिया, तां विचों एक लाल निकल आया। लाल की सी, एक रब्बी चमत्कार सी। तां श्री सतगुरु नानक देव जी ने आख्या, जो मरदानिया ए लाल चुक लै ते शहर विच जाए कर इसूं वेचा, पर जेड़ा मुल तैनू कोई इस लाल दा दसे असानू आए कर दसना, ते साडे कोलों पुछ कर वेचना। मरदाना लाल वेख कर बहुत खुशी होया, ऐ अगमी लाल सी ते अगमी इस लाल विचों निक्कियां निक्कियां किरणा निकलदियां सन, ते ओ किरणा मन नूं ठंडा करदियां सन। सोण पाई मरदाने दे अंदर ठंड आए गई, ते लाल दे दर्शन करन नाल भुख भी कुछ घट गई। सो मरदाना श्री सतगुरु नानक देव जी दा हुक्म पाए कर शहर वल टुरिया। सो जांदा जांदा शहर विच एक जवैरी दी हट्टी ते गया, तां भाई मरदाने ने उस जवैरी नूं लाल कट के दस्या। तां उस जवैरी ने उस लाल दी कीमत 2 पैसे दसी। तां भाई मरदाने ने आख्या, जो मैं पहलों अपने मालक कोलों पुछावां तां फिर वेचसां। तां भाई मरदाना ओ लाल श्री सतगुरु जी कोल मोड़ के लै आया, ते आख्या, जो गरीब निवाज जी इस लाल दी कीमत 2 पैसे दसदे हन। तां श्री सतगुरु जी ने आख्या, जो भाई मरदाना तू फेर जा ते किसी वड्डे जवैरी नूं एह लाल दस। तां भाई मरदाने ने आख्या, जो जी मैं तां वड्डे जवैरी नूं नहीं जानदा। तां श्री सतगुरु नानक देव जी ने आख्या, जो भाई मरदाना तू सालस राय जवैरी दा नाम पुछ लवी। तां भाई मरदाना श्री सतगुरु जी दे चरणा ते मत्था टेक कर फिर शहर वल टुरिया, ते शहर वे जाए कर सालस राय जवैरी दा पता कीता। तां लोकां दस्या, जो भाई ओ फलाणी जगह रहिंदा है, तू उत्थे चला जा। तां भाई मरदाना पुछदा पुछदा सालस राय जवैरी कोल पहुंचिया। तां भाई मरदाने ने सालस राय जवैरी नूं ओ लाल दस्या। सालस राय जवैरी लाल वेख कर अचंभा हो गया, अपने दिल विच आखण लगा, जो मेरी भी बहुती उम्र हो गई है ते मैं बहुते लाल वेखे हन, पर एहो जिहा लाल मैं कदी नहीं वेख्या। बाकी जितने लाल मैं डिठे हन उन्हां दा बाहर प्रकाश हुंदा सी, पर एह लाल कोई कुदरती शै है, क्यों जो जिस वेले दा मैं अपने हाथ विच लिता है मेरे अंदर ठंड वरत गई है। जेड़ा मैं अगे अपना जीवन हनेरे विच बतीत करदा कीता सी, हुण मैनू इस लाल नूं हाथ विच लैण नाल ऐ पता लग गया है, जो तूं तां इस संसार विच प्राउणा है।
ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿਨ ਦੀ ਹੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਇਹ ਬਰਕਤਾਂ ਇਸ ਲਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਾ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਲਾਲ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕਰ। ਕੇ ਜਾਣੀਏ ਜੋ ਇਸ ਲਾਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਹੋਵਨ ਜਿਸ ਦਾ ਇਹ ਲਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਈ ਸਾਲਸ ਰਾਏ ਜਵੈਰੀ ਨੇ ਉਸ ਲਾਲ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟਾ ਪੁਲਟਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਵੇਖੇ, ਜੋ ਇਹ ਲਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਆਵੇ ਉਸਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਾ, 100 ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਲਾਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਵੇਚੇ ਜਾਂ ਨਾ ਵੇਚੇ। ਉਸ ਲਾਲ ਉੱਪਰ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਲਸ ਰਾਏ ਜਵੈਰੀ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਭਾਈ 100 ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਲਾਲ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹ ਲੈ ਲੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਵੇਚ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਵੇਚ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਪਾਸੋਂ ਪੁੱਛਾਵਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਲਸ ਰਾਏ ਜਵੈਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਭਾਈ ਤੂੰ ਜਾਏ ਕਰ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੁੱਛਾ, ਪਰ ਇਹ 100 ਰੁਪਈਆ ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਾ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ 100 ਰੁਪਈਆ ਅਤੇ ਲਾਲ ਲੈ ਕਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਜੋ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਿਆ ਲਾਲ ਵੇਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਲਾਲ ਵੀ ਅਤੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕਰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਜੋ ਜੀ ਜਿਸ ਜਵੈਰੀ ਕੋਲ ਤੁਸਾਂ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਉਸ ਜਵੈਰੀ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਲਾਲ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਬਸ ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸਾਂ ਲਾਲ ਵੇਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅਣਗਿਣਤ ਮਾਇਆ ਪਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਪਰ ਇਸ ਲਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਾਲ ਅਚੰਬਾ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਮਰਦਾਨਿਆ ਇਹ ਸੱਚਾ ਲਾਲ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਦਿਲ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੇਚਾ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦਾ, ਚਾਹੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਕਿਉਂ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵਣ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਇਹ ਲਾਲ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਮਰਦਾਨਿਆ ਲਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਏ ਕਰ ਉਸ ਜਵੈਰੀ ਨੂੰ ਇਹ 100 ਰੁਪਇਆ ਮੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਆਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕਰ ਬਿਸੰਬਰਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਸਾਲਸ ਰਾਏ ਜਵੈਰੀ ਕੋਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਾਏ ਕਰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਜੋ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਇਹ ਲਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹ 100 ਰੁਪਇਆ ਮੋੜ ਲਵੋ। ਤਾਂ ਸਾਲਸ ਰਾਏ ਜਵੈਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ
ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਜੋ ਅਸੀਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਮੋੜ ਲਈਏ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਲਾਲ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਾਲ ਲੈ ਆਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟ 100 ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਫਿਰ ਉਹ 100 ਰੁਪਇਆ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਲੈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਿਆ ਜੋ 80 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਜੇਕਰ ਲਾਲ ਵੇਚੀਏ ਤਾਂ ਰੁਪਇਆ ਰੱਖੀਏ ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ 7 ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਅਤੇ 7 ਵਾਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸਾਲਸ ਰਹਿ ਜਵੈਰੀ ਰੁਪਇਆ ਮੋੜੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰੁਪਏ ਰੱਖਣ ਨਹੀਂ ਔੜਕ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਚਿੱਥਾ ਹੋਏ ਕਰ ਸਾਲਸ ਰਹਿ ਜਵੈਰੀ ਦੇ ਘਰ ਰੁਪਏ ਸੁੱਟ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਾਲਸ ਰਹਿ ਜਵੈਰੀ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਫੇਰ ਸੱਦ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੋ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਮਾਲਕ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾਂ ਲੈ ਵਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੋ ਜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 2 ਕੋਹ ਦੀ ਵਿੱਤ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ 1 ਸਾਧ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਕਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਸਾਲਸ ਰਾਏ ਜਵੈਰੀ ਪਾਸੋਂ ਚਲਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸਾਲਸ ਰਾਏ ਜਵੈਰੀ ਕੋਲ 1 ਅਦਰੱਕਾ ਗੁਲਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹੈ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜਾਚਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਦਰੱਕਾ ਗੁਲਾਮ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਸਾਲਸ ਰਾਏ ਜਵੈਰੀ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਜੋ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹੈ ਕੋਈ ਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਕਲਯੁੱਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਸਾਧ ਲੱਭਦੇ ਹਨ ਤੁਸਾਂ ਕਿਤਨਾ ਵਸ ਲਾਇਆ ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪ ਨੂੰ ਰੁਪਏ ਮੋੜ ਹੀ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਆਖਦੇ ਹੋ ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਾਲ ਅਸਾਂ ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਡਿੱਠਾ ਸੋ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਸੋ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅਚੰਬਾ ਹੋਏ ਜਾਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਅਦਰੱਕੇ ਗੁਲਾਮ ਦੀ ਸਾਲਸ ਰਾਏ ਜਵੈਰੀ ਨੂੰ ਪਾਏ ਗਈ ਅਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਸਾਧਾਂ ਪਾਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਅਦਰੱਕੇ ਗੁਲਾਮ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੋ ਜੀ 3 ਥਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਲਓ ਅਤੇ 3 ਥਾਲ ਜਵਾਹਰਾਤ ਦੇ ਭੇਟਾ ਲਈ ਨਾਲ ਲੈ ਲਵੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਲਸ ਰਾਏ ਜਵੈਰੀ ਨੇ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ 3 ਥਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਅਤੇ 3 ਥਾਲ ਜਵਾਹਰਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਕਾਈ ਲਿੱਤੇ ਅਤੇ ਅਦਰੱਕੇ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਇ ਕਰ ਕੀ ਵੇਖੇ ਜੋ 3 ਸਾਧ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਲਸ ਰਾਏ ਜਵੈਰੀ ਨੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਥਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਆਖਿਆ ਜੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ 100 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਲਵੋ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੋ ਸਾਲਸ ਰਾਏ ਜੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਲਾਲ ਵੇਚੀਏ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਾ ਲਈਏ ਬਿਨਾਂ ਲਾਲ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਲਸ ਰਾਏ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੋ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਜੋ ਉਹ ਲਾਲ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿ
ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਲਾਲ ਹੋ। ਪਰ ਅਦਰਕ ਕੇ ਗੁਲਾਮ ਪਾਸੋਂ ਨਾ ਰਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਬੇਵੱਸ ਹੋਏ ਕਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਟੱਠਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅਦਰਕ ਕੇ ਗੁਲਾਮ ਪਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਾਲਸ ਰਾਏ ਜਵਾਹਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਰਾਗ ਮਾਝ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ। ਲਾਲੋ ਲਾਲ ਉਪਾਇਆ, ਲਾਲੋ ਲਾਲ ਦਿਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਲੀ ਨੇਤਰ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਨਾ ਜਾਣਨ। ਸੁਣ ਸਾਲਸ ਤੂੰ ਜੌਹਰੀ, ਆਪਣਾ ਲਾਲ ਪਛਾਣ, ਕੂੜੇ ਲਾਲ ਨਾ ਗੰਢ ਬਣ, ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਹ ਸਿੰਜਾਣ। ਰਾਓ ਕੱਕਰ ਪੱਥਰ ਮੇਲ ਕੈ, ਨਾ ਉਸਦਾਇਓ ਸ਼ਾਹ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ਅੰਧ ਹੈ, ਮੂਲ ਨਾ ਬੁਝੇ ਰਾਓ। ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕਰ ਸੰਜਿਓ, ਰਾਤੀ ਅਤੇ ਡੇ, ਕਾਈ ਸਾਖ ਨ ਉਪਜੀ, ਕੱਲਰ ਉੱਠੇ ਮੈਂ। ਸੁਣ ਸਾਲਸ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ, ਜੋ ਕਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਏਕ ਅਰਾਧੀਏ, ਦੁੱਖ ਨ ਲਾਗੈ ਕੋਏ। ਜਦ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਲਸ ਰਾਏ ਜਵੈਰੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਡਰਿਆ ਅਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਜੋ ਜੀ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਅਰ ਹੋਤੇ ਕੌਣ ਹੋ, ਅਰ ਤੁਮਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਕੌਣ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਸੁਣ ਸਾਲਸ ਰਾਏ, ਨਾਮ ਹਮਾਰਾ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਹੈ, ਅਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਆਏ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੇਖ ਵੀ ਹਮਾਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਾ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਲਸ ਰਾਏ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਜੀ ਤੁਮੋ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਸੋਰਠ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਅਲਖ ਅਪਾਰ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ, ਨਾ ਤਿਸ ਕਾਲ ਨਾ ਕਰਮਾ, ਜਾਤ ਅਜਾਤ ਅਜੋਨੀ ਸੰਭਵ, ਨਾ ਤਿਸ ਪਾਉ ਨਾ ਪਰਮਾ। ਸਾਚੇ ਸਚਿਆਰ ਵਿਟੋਂ ਕੁਰਬਾਨ, ਨਾ ਤਿਸ ਰੂਪ ਵਰਨ ਨਹੀਂ ਰੇਖਿਆ, ਸਾਚੈ ਸਬੰਧ ਨਿਸਾਣ ਰਾਓ। ਨਾ ਤਿਸ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਬੰਧਪ, ਨਾ ਤਿਸ ਕਾਮ ਨਾ ਨਾਰੀ, ਅਕੁਲ ਨਿਰੰਜਨ ਅਪਰੰਪਰ, ਸਗਲੀ ਜੋਤ ਤੁਮਾਰੀ। ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲੁਕਾਇਆ, ਘਟ ਘਟ ਜੋਤ ਸਬਾਈ, ਬਜਰ ਕਪਾਟ ਮੁਕਤੇ ਗੁਰਮਤੀ, ਨਿਰਭੈ ਤਾੜੀ ਲਾਈ। ਜੰਤ ਉਪਾਏ ਕਾਲ ਸਿਰ ਜੰਤਾ, ਵਸਗਤ ਜੁਗਤ ਸਬਾਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਪਦਾਰਥ ਪਾਵੈ, ਛੂਟੈ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਈ। ਸੂਚੈ ਪਾਂਡੈ ਸਾਜ ਸਮਾਵੈ, ਵਿਰਲੇ ਸੂਚਾਚਾਰੀ, ਤੰਤੇ ਕੋ ਪਰਮ ਤੰਤ ਮਿਲਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਸਰਣ ਤੁਮਾਰੀ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਸੁਣ ਸਾਲਸ ਰਾਏ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੋ ਹੈ
वह अलग है, भाव लखने तो परे है, अपार है जिसका पारावार नहीं पाया जाता, अगम है जो गमता तो परे है, अगोचर अगे दा है, पाव हुंदा नहीं ते काल करम तो परे है, जातियां विच भी नहीं अजात है, जूनिया विच भी नहीं अजोनी सा पाव है, ते उसनों किसी दा डर नहीं ते ना ही कोई उसू परम है, सो ऐसा जो सच्चा ते सच्चार निरंकार है, मैं उस तो कुर्बान कुर्बान जांदा हाँ, क्यों जो ओ ना किसी रूप विच है ते ना ही किसी वरण विच है ते ना ही उसकी कोई रेखा है, पर एक निशानी उसकी है जो जिथे सच्चे शब्द का टिका हो, सो जिस वेले जिथे सच्चे शब्द का टिका है, सो जिस वेले ऐ निशानी है, जिस विच ऐ निशानी है उत्थे ओ निरंकार प्रतक है, सो ऐसा जो सच्चा निरंकार है जिस दी ना कोई माता है ना पिता है ना पुत्र है ते ना कोई संबंधी है ते ना ही कोई नारी है, ओ आप अकुल निरंजन सारिया विच रव्या होया है ते सारिया विच उसकी जोत है, कटा कटा विच समाया होया है ते कटा कटा विच उसकी जोत काम कर रही है, पर बजर दे पड़दे जेड़े जीव ते निरंकार विच पए हुए हैं, जाति कणो बजर दे पड़दे ना हटन, ऐ जीव दर्शन नहीं कर सकता, जिस तरह लकड़ी विच अग मौजूद होवे पर जाति कण उसू कोई अग लावण वाला ना होवे तां ओ अग उस विच प्रकाश नहीं कर सकती, इसी तरह हर एक दे अंदर निरंकार दी जोत मौजूद है, पर जाति कण ओ वहमां ते भरमां वाले बजर दे पड़दे कोई हटाण वाला ना होवे ओ निरंकारी जोत इस जीव दे अंदर प्रकाश नहीं करती, सो बजर दे पड़दे हटाण वाला पूरा सतगुरु जी ही है, जिस वेले इस जीव ने सच्चे सतगुरु जी दी पछाण कीती ते श्री सतगुरु जी ने इस जीव नु अमृत रूपी नाम देकर सिमरन विच ला दिता, तां इस जीव दे अंदर जेड़ा वहमा ते भरमां दा पर्दा पिया होया सी ओ दूर हो गया ते इस दे अंदर प्रकाश हो गया, सो हुण इस जीव नू चंगी तरह पता लग गया जो मेरे अंदर प्रकाश करन वाला सच्चा सतगुरु जी ही है, जो मेरे सामने बैठा है यही निरंकार है, होर दूजा कोई नहीं, सो फिर तां ओ जीव निरपै होए कर नाम जपन लगे, सो निरंकार सिरजनहार ने जितने जीव पैदा कीते हैं सारियां दे सिर ते काल रख्या है बस, सो ऐ गल उसने अपने हाथ विच रखी है, जो जीव नू उत्पात करना ते समा पूरा होण ते उसका विनाश करना, सो ऐ एक आप निरंकार सिरजनहार ने खेड पाई है।
इस खेड विच उसने एक इम्तिहान रखा है जो 84 लाख जून विच उत्तम जून मनुख दी है। सो जेड़े जीव मनुख दे विच आए कर जिन्होंने पूरे सतगुरु जी की ढूंढ करके ते नाम लेकर जपया है ओ ता श्री सतगुरु नानक देव जी दे चरणा विच समाए गए हैं, पाओ जन्म मरण तो रहत होए गए हैं। जिस तरह दरिया विचों पानी का कड़ा भर के वखरा कर लईए ते फिर ओही कड़ा दरिया विच ही पलट देवीए तो फिर वो कड़े वाला पानी ते दरिया वाला पानी वखरा नहीं दिसदा, एक सरूप होए जांदा है। ते जेकर उस कड़े दे पानी नू बाहर रेत दे थलां वी डोलिया जावे तो रेत विच ही सड़ जांदा है। इसी तरह जेड़े जीव श्री सतगुरु जी दे चरणा विच पहुँच जांदे हन ते नाम लेकर सिमरन करदे हन ओ तां मरण दे पिछों जिस तरह घड़े दा पानी दरिया दे पानी विच मिलकर एक रूप हो जांदा है, इसी तरह ओ जीव श्री सतगुरु जी दे चरणा विच समाए कर एक रूप होए जांदे हन। ते जेड़े जीव श्री सतगुरु जी नूं नहीं मिलदे ते सिमरन नहीं करदे ओ फिर 84 दे गेड़ विच माता दे गर्भ विच जिस तरह घड़े दा पानी रेत विच पैण नाल सड़ जांदा है सड़दे हन। सो इस जीव नूं लोड़ है वे ओ सच्चा जो श्री सतगुरु जी है उस दी ढूंढ करे, सच विच समाए जांदे हन। सो जिस जीव नूं लोड़ होवे ओ सच्चा जो सतगुरु जी है उस दी ढूंढ करके सच विच समाए जांदे हन, पर एहो जिहे कोई विरले ही आउंदे हन। पर जेड़े भी शरणी आउंदे हन उन्हां दा निस्तारा हो जांदा है। जद ए वचन सालस राय ने सुने तां डरिया ते श्री सतगुरु नानक देव जी दे चरणा ते टठा ते प्रसाद अगे रख्या, बेनती कीती जो सच्चे पातशाह जी प्रसाद मूँह पाओ जी। तां श्री सतगुरु नानक देव जी आख्या जो असी तेरा प्रसाद तद खावांगे जेकर तू साड़ी एक गल मन्ने। तां सालस राय गल विच पला पाए कर सामने खलोए गया ते बेनती कीती अस जो गरीब निवास जी हुक्म करो जी। तां श्री सतगुरु जी आख्या जो सुन सालस राय ऐ जो तेरा अदरका गुलाम है जेकर तू इस दी पैरी पवे ते इस दा गुलाम होए कर रवे तां असी तेरा प्रसाद छकदे हां। तां सालस राय ने आख्या जो गरीब निवास जी अदरका तां साध है जेकर मैनू हुक्म करो ते मैं अदरके दे कुत्ते दी भी पैरी पवन नूं तैयार हाँ जी। तां सालस राय अदरका गुलाम दी चरनी टठा अदरके बतेरा आख्या जो तू मेरा मालक है जेकर चरनी पैणा हई तां श्री सतगुरु जी दी पै, पर तन सालस राय जवैरी है जो अपने सच्चे सतगुरु नानक देव जी दे हुक्म दी
पालना करदा होया अपने गुलाम दी पैरी पै रहा है। ए मेरे सच्चे पातशाह श्री सतगुरु नानक देव जी दे घर दी ही रीति है, जो माण वालिया नू निमाणा करना, ताण वालिया नू निताणा करना, ते अपनी बख्शिश द्वारा उन्हां सेवकां नू सच्चा माण ते सच्चा ताण, जेड़ा सच्ची दरगाह विच मिलना है उन्हां सेवकां नू बख्शना। सो हुण सालस राय दा है प्रेम वेख कर श्री सतगुरु जी ने प्रसाद दे चार बखरे किते, एक अदरके गुलाम नू ते एक भाई मरदाने नू, तां एक भाई बाले नू ते बाकी एक विचों श्री सतगुरु जी ने आप थोड़ा जिहा खाए कर बाकी सीध प्रसाद सालस राय जवैरी नू दिता। सो सीध प्रसाद खाण नाल सालस राय दे कपाट खुल गए। फिर श्री सतगुरु जी ने अदरक के गुलाम ते सालस राय नू नाम दी बख्शीश कीती। सो जिस वेले सालस राय नू नाम दी प्राप्ति होई तां सालस राय ने ऐ शब्द पढ़िया, सतगुर दाता नाम का दीने खोल कपाट, एको वणज वणजया बोर नावे काट, सतगुरु नानक पूरा बचन का सूरा, रहाओ अगम निगम दिखावे ता खोले नेत्र अनंत, जगत वणजारा सगले सा एक भगवंत, वणजे हमारा सतगुरु पूंजी हमारी नाम, आठ पैर तुन लाग रहे सोई हमारे काम, सालस बिन वे बेनती तुम सुन ले ओ करतार, कच्चा रंग उतार के चाड़े रंग अपार, कच्चा रंग उतार के चाड़े रंग अपार। जद ए शब्द सालस राय ने श्री सतगुरु जी अगे पढ़िया तां श्री सतगुरु जी सालस राय उपर बहुत खुशी होए, अपने सिर तो अंगोछा लाए कर सालस राय नू दिता। तां सालस राय दे सालस राय ने दो हत्थां पर लै कर अपने सिर ते बद्धा। श्री सतगुरु जी ने सालस राय ते अदरके गुलाम नू दोवां नू सतगुरु कीता ते मंजी बहाया, हुक्म कीता जो जिस चरती सालस राय जीवे ऐ मंजी बवे ते संगतां नू श्री सतगुरु जी दे घर दा नाम दान दे कर निहाल करे, ते सालस राय तो पिछों अदरका मंजी बवेगा, क्यों जो पहलो मंजी अदरके दी ही आई, पर असां सालस राय दा भाव रख्या है। सो सालस राय ने दो साल सत महीने और जीवना है, इस तो पिछों अदरका मंजी बवेगा, सालस राय दी सालस राय दी औलाद दा कोई हक नहीं। ए हकम
ਇਹ ਹੁਕਮ ਸ੍ਰੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਭਾਈ ਜਵੈਰੀ ਸੁਣ, ਜੋ ਸਾਲਸ ਰਾਏ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਾ ਵਚਨ ਕਮਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮ ਦੀ ਪੈਰੀ ਪਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪੂਜਣ ਜੋਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਜੀ ਬਹਿਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਅਧਰੱਕੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਲਸ ਰਾਏ ਨੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕਰ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮ ਦੀ ਪੈਰੀ ਪੈਣਾ ਹੁਕਮ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿਤਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਸਾਲਸ ਰਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕਰ ਭਾਈ ਜਵੈਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਢੱਠਾ ਅਤੇ ਆਖਿਆ, ਦਾਤਿਆ ਧਨ ਤੂੰ ਹੈ ਅਤੇ ਧਨ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਚਾ ਰੱਖੇ ਉੱਥੇ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਜੋ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵਚਨ ਦਾ ਇਸ ਗੰਦੇ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਜਵੈਰੀ ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਟੱਠਾ ਅਤੇ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਗਿਆ। ਸਾਲਸ ਰਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕਰ ਭਾਈ ਜਵੈਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਟੱਠਾ ਅਤੇ ਆਖਿਆ, ਦਾਤਿਆ ਧਨ ਤੂੰ ਹੈ ਅਤੇ ਧਨ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਚਾ ਰੱਖੇ ਉੱਥੇ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਜੋ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵਚਨ ਦਾ ਇਸ ਗੰਦੇ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਜਵੈਰੀ ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਟੱਠਾ ਅਤੇ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਗਿਆ। ਸਾਖੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਾਈ ਰਾਮ ਦਿਆਲ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਤੀ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆਂ ਨੀਂਦਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਹੀ ਅੱਖੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆਵਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆਖੇ, ਜੋ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ, ਜੋ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਨਿਕਲ ਜਾਵਣ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜੀ, ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਭਾਈ ਰਾਮ ਦਿਆਲ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਵਣ, ਕਦੀ ਲੇਟੇ, ਕਦੀ ਫੇਰ ਉੱਠ ਬੈਠੇ, ਕਦੀ ਭਜਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਤ ਅੱਧੀ ਬੀਤ ਗਈ, ਪਰ ਭਾਈ ਰਾਮ ਦਿਆਲ ਜੀ ਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਨਾ ਆਈ। ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ, ਜੋ ਰਾਤ ਬੀਤ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਬਰੋਠੇ ਸਾਹਿਬ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਖਿਆਲ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਜੇਕਰ ਰਾਤ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਵਾਸ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ
मैं की कर सा। सो इन्हां ख्यालां विच भाई राम दयाल जी ने एक शब्द पढ़िया, श्लोक अखी प्रेम कसाईया हर हर नाम पिखन जेकर दूजा देख दे जन नानक कढ़ दिचन तू चो सजन मेंडिया डेई सिस उतार नैन मंजे तरस दे कद पसी दीदार। हुण भाई राम दयाल जी दी ए अवस्था सी जिस तरह किसी चीज नू कस लाई जावे ते फिर वो कस लाण नाल सखत हो जावे। हुण भाई राम दयाल जी दियां अखियां नू ऐसी कस लगी जो ओ श्री सतगुरु जी दे नाम तो होर कोई चीज वेखण दी इच्छा ही नहीं करदा, होर कोई चीज वेखण दी इच्छा ही नहीं करदियां, भाव श्री सतगुरु जी दे दर्शन तो बिना। हुण होर भाई राम दयाल जी दियां अखियां नू होर लोड़ ही कोई नहीं ते श्री सतगुरु जी दे चरणां विच बेनती करदे हन, जो हे दीन दुनी दे वाली श्री सतगुरु जी, जेकर तेरे दर्शन ते बिना ऐ अखियां किसी होरस नूं वेखण तां ऐ अखियां ना रवन, भावें ना अखियां नूं कढ देवो जी। दातिया जेकर तू मेहर करें ते श्री रूपी घर विच आवें तां मैं अपना सिर ला कर तेरा विछावना करां, क्यों जो तेरे दर्शन लई मैंने मेरे नैन तेरे दर्शन लई मेरे नैन तरस रहे हन। किरपा कर ते अपना दीदार बख्श। सो इस तरह दिया वार्ता भाई राम दयाल जी अपने अंदर कर ही रहा सी, जो भाई राम दयाल जी दे दिल ने ऐसा उछाला खादा जो बरोठे सा वल टुर पिया। घर दे संबंधी सारे सौ गए सन तां भाई राम दयाल छुपाता ही उठा ते बरोठे साहिब दा रस्ता लिता। जद बरोठे साहिब पहुँचया तां एक पैर रात बाकी सी। दिल विच आखन लगा जो श्री सतगुरु बाबा संगता साहिब जी दे घर जाए कर आवाज़ मारा, पर चाटी दिल नूं समझ आ गई जो तू श्री सतगुरु जी नूं आवाज़ नहीं मार सकदा है, क्योंकि तू श्री सतगुरु जी दा पैदा कीता होया जंत है, तेरा कोई हक नहीं जो तू मालक नूं जाए कर आवाज़ मारे। तेरा काम इतना ही है जो तू मालक दे द्वारे ते पहुँच जावें, अगों मालक दी रज़ा है जिस तरह चाहे वो तेरी सवाल करे। पर इस ख्याल दे पिछों फिर ए ख्याल आया जो श्री सतगुरु बाबा संगतार साहिब जी सवेले दरिया ते भजन करन चले जांदे हन, मत दरिया ते ही ना चले गए उमन। सो है गल सोच के भाई राम दयाल जी दरिया वल चला गया। जब दरिया ते पहुँचया तां अगे की वेखे जो चोजी सतगुरु जी ने एक अश्चर्य चोज वरताए रखिया है। जद भाई राम दयाल जी ने दरिया ते जाए कर डिठा
ताई कुदरती चाणा नजर आया ते उस चाणे दियां किरना विच इस तरह ठंड सी जिस तरह दिने बहुत गर्मी होवे ते राती मिठी मिठी पौन चले ते चंद्रमा चढ़िया होया होवे ता मनुख मातर अवशो ही सो जांदे हवन। सो जद दिल नू ताकत बख्शन वालियां किरना उस कुदरती चमत्कार दियां भाई राम दयाल जी ते पईयां ता भाई राम दयाल जी उत्थे ही बैठ गया ते चित श्री सतगुरु जी दे चरणा नाल जुड़ गया, देह तो बदे हो गया। सो इस बदे होवण दी दशा विच भाई राम दयाल जी ने की डिठा जो श्री सतगुरु बाबा संगता साहिब जी जिस स्थान ते बैठ कर भजन करदे सन बैठे हुए हन ते उत्थे नाल ही सामने हरो नदी तो पारले पासे 11 ज्योतां प्रकाश कर रहियां हन जिन्हां दा तेज कोई सार नहीं सकदा ते दरिया विचों अनेकां जीव गुप्त निकल रहे हन ते पहली जोत अगे जाए कर मथा टेकदे हन पर ओ पहली जोत दूसरी जोत वाल हाथ नाल इशारा करदी है, मूँह विचों कुछ बोलदी नहीं। इसी तरह जद ओ गुप्ती जीव दूसरी जोत अगे आए कर मथा टेकदे हन तां ओ दूसरी जोत तीसरी जोत वाल इशारा कर देंदी है। सो इस तरह तीसरी जोत ने चौथी वल ते चौथी ने पंजवीं वल, पंजवीं ने छेवीं वल, छेवीं ने सतवीं वल, सतवीं ने अठवीं वल ते अठवीं ने नौवीं वल ते नौवीं जोत ने दसवीं वल इशारा कीता ਤਾਂ ਦਸਵੀਂ ਜੋਤ ਨੇ ਅੱਗੋਂ 11ਵੀਂ ਜੋਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਜਦ ਉਹ ਗੁਪਤੀ ਜੀਵ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਟੇਕਦੇ 11ਵੀਂ ਜੋਤ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ 11ਵੀਂ ਜੋਤ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕਰ ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਪਕੜ ਕਰ ਅਤੇ ਅੰਗਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਬਿਰਦ ਬਾਬਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਖਲਾਸੀ ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵਾਲੇ ਨਾਮ ਦਾ ਟਿਕਾ ਉਸ ਬਿਰਦ ਬਾਬੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਬੇਦੂ ਨਾਮ ਲੈ ਕਰ ਜਪਸੋ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਖਲਾਸੀ ਹੋ ਸੀ। ਸੋ ਜੀਵ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਣ ਕਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬੰਧਨ ਘੱਟੋ ਜੀ। ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਧੀਰੇ ਦੇ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਫੁੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜੀਵ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅਲੋਪ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਤਕ ਭਾਈ ਰਾਮ ਦਿਆਲ ਜੀ ਨੇ ਡਿੱਠਾ। ਜਦ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਨਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ 11 ਜੋਤਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੁਪਤੀ ਜੀਵ, ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕਰ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਭਜਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਰਾਮ ਦਿਆਲ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠੰਡ ਹੈ, ਸਵਾਦ ਹੈ, ਰਸ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੌਤਕ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਦਿਆਲ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ
अखां अगे प्यावे ते दिल भी चाखे जो ओह 11 जोतां कौन सन। एक सरूप नूं तां मैं जानदा हाँ जो ओह सच्चे सतगुरु बालक सिंह जी सन जिन्हां दे अगे मैं दर्शन कीते हन जेड़े गुप्ती जीवां नूं बाहां तों पकड़ पकड़ कर श्री सतगुरु बाबा संगता साहिब जी वल भेज रहे सन ते रस्तां तों आख रहे सन जो तू साडी खलासी उस बिरद बाबे जी दे चरणां विचों सी। सो बाकी जिहड़ियां 10 जोतां सन मैं उहनां नूं नहीं सियाणदा की पता है जो कौन सन, पर उहनां दा जिहड़ा दर्शन सी ਉਹ ਸਵਾਦ ਤੇ ਰਸ ਦਾ ਉਹ ਸਵਾਦ ਤੇ ਰਸ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਭਾਈ ਰਾਮਦਿਆਲ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਨ ਜੋ ਦਿਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਤੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਏ ਕਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ जो कुछ पता लगना है आपे उत्थों लग जासी। तां भाई रामदयाल जी उत्थों उठ कर श्री सतगुरु बाबा संगता साहिब जी दे चरणा ते जाए मत्था टेकिया, पर अगे श्री सतगुरु जी दी समाधि लगी हुई सी तां भाई रामदयाल जी भी मत्था टेक कर ते मूँह ते ਪੱਲਾ ਪਾਏ ਕਰ ਭਜਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਬਰੋਠੇ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਆਵੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕਰ ਭਜਨ 'ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਜਨ 'ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦਿਨ ਚੜ ਆਇਆ। ਜਦ ਵਰਤਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤਾਂ ਭਾਈ ਰਾਮਦਿਆਲ ਜੀ ਨੇ ਉੱਠ ਕਰ ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੁਸ਼ਲ ਆਨੰਦ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਭਾਈ ਰਾਮਦਿਆਲ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੋ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜੀ ਹੋਰ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਸੁਖੀ ਸੁੱਖ ਹੈ ਪਰ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਜੋ ਭਜਨ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਰਾਮਦਿਆਲ ਜੀ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ। ਭਜਨ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਅਦਾ ਪਾਸੀ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਰਾਮਦਿਆਲ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਫਿਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਰਾਮਦਿਆਲ ਜੀ ਨੂੰ ਥਾਪੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਉੱਠ ਪਈ ਅਤੇ ਬਰੋਠੇ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਟੁਰੀ, ਪਰ ਭਾਈ ਰਾਮਦਿਆਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਪਤ ਜੀਵਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਪਈ ਆਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਮਾਰੇ ਪੁੱਛ ਨਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਤਕ ਭਾਈ ਰਾਮਦਿਆਲ ਜੀ ਨੇ ਡਿੱਠਾ ਸੀ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਭਾਈ ਰਾਮਦਿਆਲ ਜੀ ਨੂੰ ਚੱਕਰਿਤ ਪਿਆ ਕਰੇ। ਸੋ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਹਿਜ ਸੰਗਤ ਦੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੂਜਿਐ ਮਨ ਤਨ ਲਾਏ ਪਿਆਰ
सतगुर दाता जी का सबसे दे आधार, सतगुर बचन कमावणे सच्चा यो विचार, बिन साधु संगत रतिया माया मोह सब चार, मेरे साजन हर हर नाम संभाल, साधु संगत मन वसे पूरन होवे काल राव, गुर समरथ अपार गुर समरथ अपार गुर वड भागी दर्शन होए, गुर अगोचर निर्मला गुर जे वड़े अवर न कोए, गुर करता गुर करनार गुरमुख सची सोए, गुर ते बाहर किछ नहीं गुर कीता लोड़े सोए, गुर तीरथ गुर पार जात गुर मनसा पूरण हार, गुरदाता हर नाम दे उधरे सब संसार, गुर समरथ गुर निरंकार गुरु चागम अपार, गुर की महिमा अगम है क्या कथे कथन हार, जितड़े फल मन बाछिए तितड़े सतगुर पास, पूरब लिखे पावणे साच नाम दे रास, सतगुर सणी आया बोड़ नहीं विनाश, हर नानक कदे ना विसरियो एहो जियो पिंड तेरा सास। तां श्री सतगुर बाबा संगतार साहिब जी ने दसिया, जो आप मालक श्री सतगुर अर्जन देव जी इस शब्द द्वारा हुक्म करते हैं, जो हे दीन दुनिया दे लोको श्री सतगुर जी दी पूजा करते हो, तां श्री सतगुर जी नू परमेश्वर जानकर पूजा करो, ते मनो तनो होए कर प्यार श्री सतगुर जी दे चरणा नाल लावो, क्यों जो श्री सतगुर जी इस जीव दा दाता है ते सारयां नू आधार दे रहा है, पर एहो जे दाते दे जिन्हां ने वचन कमाए हन उन्हां नू एह सच्चा विचार प्राप्त होया है, ते जेड़े जीव बिना श्री सतगुर जी दी संगत तो माया दी मस्ती विच रते हुए हन, सो माया दे मोह ने एक दिन स्वाह हो जावना है, तां ते हे मेरे मित्र तू श्री सतगुर जी दा नाम ही संभाल, क्यों जेकर तू श्री सतगुर जी दी संगत कीती ते स्वास स्वास नाम जपया तां तेरी काल थाए पै जासी, क्यों जो श्री सतगुर जी समरथ है ते अपार पुरख है, सो जिन्हां ने भी दिलों होए कर दर्शन कीता है उन्हां दे वड्डे भाग हन, ओ वड्डियां भागां वाले हन जेड़े श्री सतगुरु जी दे द्वारे ते जाए कर श्री सतगुरु जी दा दर्शन करदे हन, क्योंकि श्री सतगुरु जी अगोचर भाव अगे दा है, निर्मल भाव महल तो रहत है, ते श्री सतगुरु जी तो वड्डा होर कोई नहीं, तुसा ए ना समझना जो श्री सतगुरु जी तो बिना कोई होर भी है, श्री सतगुरु जी ही करता है,
श्री सतगुर जी ही करणहार है। ते श्री सतगुर जी दे मुख विचों जो नाम प्राप्त होंदा है वो सच्चा है। श्री सतगुर जी तो बाहर कोई गल नहीं। जेड़ी गल श्री सतगुर जी नू भांदी है सो होंदी है। सो ऐसा जो वड्डा श्री सतगुर जी है, जो तीर्थां विचों वड्डा तीर्थ श्री सतगुर जी ही है। ब्रिछां विचों वड्डा कलब ब्रिज श्री सतगुर जी ही है। भाव इस जीव दी मनसा पूरन करन वाला श्री सतगुर जी ही है। क्यों? जो श्री सतगुर जी दाता है, अपना सच्चा नाम देकर जीवां दा उधार कर रहा है। जेड़े जीव भी संसार विचों श्री सतगुर जी दी शरणी आए ते नाम लेकर जपिया, उन्हां दा निस्तारा हो गया। सो ऐसा जो दाता सतगुर जी है, वो आप निरंकार है, सारियां गल्लां भी समर्थ है, ऊंचा है, अगम है, अपार है। श्री सतगुर जी दी जो महिमा है, भाव वड्याई है, वो भी अगम है। किसी दी की मजाल है जो श्री सतगुर जी दी महिमा कथन कर सके, बेअंत है। सो जितने फल पाओ, जितने सुख है जीव चितुदा है, सो ओ सारे फल पाओ सुख श्री सतगुर जी दे चरणा विचन। सो जेड़े जीव श्री सतगुर जी दे चरणा विच पहुँचते हैं ते श्री सतगुर जी नू रिझाए कर नाम दी प्राप्ति करते हैं, तां ओ पुरातन सुख उन्हां जीवां नू प्राप्त होंदे हन। सो जेड़े जीव भी श्री सतगुर जी दी शरणी आए हन, फिर उन्हां दा विनाश नहीं होया, भाव फिर वो जम्मण मरण तो परे होए गए हन। सो जेड़े जीव श्री सतगुर जी दे चरणा विच पहुँचते हैं, फिर वो इस तरह दियाँ बेनतियां करते हैं, जो हे दात्या हुण तू अपनी मेहर कर, जो असानू हुण तू कदे भी ना विसरे। जद इस शब्द की कथा श्री सतगुर बाबा संगता साहिब जी ने की, तो कई सिख वैराग दे घर विच हो गए ते अपने दिल विच आखन लगे, जो श्री सतगुरु अर्जन देव जी तां श्री सतगुरु जी नू ही करता तरता निरंकार सिरजनहार दसदे हन, ते असी तां अपने सच्चे सतगुरु निरंकार सतगुरु जी नाल कई वारी बरोबरियां कर बैठदे हाँ। सो इस तरह दा पछतावा करन ते रोमन, पर भाई राम दयाल जी तां चुप दे घर विच ही बैठे सन। दिल विच ऐ ख्याल आवण जो हुणी श्री सतगुरु बाबा संगता साहिब जी ने कथा भी दसिया है, जो जेड़ा जीव भी श्री सतगुरु जी दी शरणी आ जावे, वो फिर जम्मण मरण विच नहीं आमदा। मैनू समझ नहीं पैंदी, जो दरिया विचों जेड़े गुप्ती जीव श्री सतगुरु जी दी शरणी आए, वो कौन सन? वो हरों तो पार जेड़ियां जोतां प्रकाश कर रही सन, वो कौन सन? इस तरह दे ख्याल भाई राम दयाल जी दे अंदर आए रहे सन। श्री सतगुरु जी कोलों पूछ ना सके, जो किधरे खफा ना होमन। पर जिस वेले श्री सतगुरु बाबा संगता साहिब जी
कथा करके घर गए ते एकांत विच अपने घर पलंग ते बैठे ता भाई राम दयाल जी ने गल विच पला पाए कर बेनती की, जो गरीब निवाज जी एक बेनती है, जेकर हुक्म होवे ता करां जी। ता श्री सतगुरु बाबा संगत साहिब जी ने आख्या, जो आख भाई राम दयाल की आखता है। ता श्री सतगुरु बाबा संगत साहिब जी ने आख्या, जो आख भाई राम दयाल की आखता है। राम कली मलाती जाना एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पिया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया चैत मन बचिया वरदाया, राग रतन परवार परियां सबद गावन आए, सब दोष गावो हरी तेरा मन जिनी वरताया, कहे नानक आनंद हो सतगुरु मैं पाया, ए मन मेरे आतू सदा रो अरनाल अरनाल रो तू मन मेरे दुख ता विवतारना, अंगीकारो करे ते कारे तब तवार, सब नागला तमरत स्वामी तो क्यों मनो विचारे, कहे नानक मन में सदा रो अरनाल, साचे साए पाप क्या नहीं करते रे, करता तेरे सब कुछ है जिदे तो पावे, सदा चित लाते ना मन बतावे, नाम जिनके मन वच वाजे शब्द कनेरे, कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते, साचा नाम मेरा आधार हो सच नाम आधार मेरा, जिन भुखा तब गवाई करतान सुख मन आए वसिया, जिन इच्छा तब पुजान सदा कुर्बान किता गुर विच जिस दियां ए वडियाईया, कहे नानक सुनो संत सब तरो प्यारो साचा नाम मेरा दारो, वाजे पंच शब्द कर तो भागे तब बटवाच कला चित कर तारिया, पांच दूर तुद वत की काल कंटक मारे, तुर करम पाया तुझन को नाम यार के लागे, कहे नानक तैं सुख हो चित कर अनद वाजे, अनंत नो वड भागियो सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल वसूरे, दुख रोग संताप सुनी सच्ची बाणी, संत साजन पे सर पूरे कुरते जान, सुनते पनित कहते पवे सतगुर रिया भरपूर, बिन मन्ना ने गुचरन लाग वाजे अनया तुरे, सलोक पवन गुरु पानी पिता माता तर्त महात, देव सरा दोहदाई दाय खेल सगल जगात, चंगया या बुरे आईया वाचे धर्म अधूर, करमी आपो आपनी के नेड़े के दूर, जिनी नाम ते आया गए मस्कट काल, नानक ते मुख उजले केती छोटे नाल, जिनी नाम ते आया गए मस्कट काल, नानक ते मुख उजले केती छोटे नाल, तुद आगे यार दास हमारी प्रियो पिंड सब तेरा प्यारिया, कहो नानक सब ई कोई नाम न जाने मेरा, को नानक सब तेरी वडराए कोई ना न जाने मेरा, सत एक ओंकार सतगुरु प्रसाद अरदास तुद आगे अरदास हमारे, जियो पिंड सब तेरा को नानक सब तेरी वडराए कोई ना न जाने मेरा, आनंद का जी चमरक है गुरु नानक ले ते आए
फिरंगा के गुरु अमरदास रामदास के होए सहाए अर्जन हर गोविंद नो सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आइए जे डिठे तब दुख जाए एक बात सिमरिया घर नौ निद आवे ताए साफ थाई होना चाहे दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज साफ थाई होना चाहे धन धन साहब श्री ग्रंथ साहब जी आप जी की महिमा कही न जाए धन धन तत्व बालक सिंह साहब जी चा चंदा मार्ग दिया बताए धन धन तत्व चंदा साहब जी सतगुरु राम सिंह साहब जी चा नाम दिया वरताए धन धन सतगुरु नारायण दास साहब जी जिन जम तो लिया चढ़ाए धन धन सतगुरु साधु राम साहब जी जिन चरनी लिया लगाए धन धन सतगुरु भगवान दास साहब जी जो अंते हुए ताहाए धन धन सतगुरु सेवा राम साहब जी जो अंग तंग हुए ताहाए अंतर जामी सतगुरु हाजरा हजूरो जारा हजूरो सर्व कला का पूर्ण पाठा दियो इस वक्त आप बक्के के रहमत कार्यो अमृत लैके हूँ तक अपने सोने दरबार से जाके सर्वत सात संगत नु दर्शन देके निहाल करो आप जी का कोटंग कोटंग धनवाद है आप जी दे भाणे अंदर चार पैर आठ सुख और चांता पीत तो हुई है आप जी दे भाणे अंदर चार पैर दिन आया आप जी नु भावे सुख और शांति गुजारनी बख्शिश करनी रहमत करनी कृपा करनी तरस करनी दया करनी नानक नदरी नदर निहाल करनी अति कलयुग जीव हाँ खिन खिन पूरण हारा रोम रोम गुनागारा ना पुल्ली ना पुलावी ना वितरी ना वितारी ओ काम करवाने जो आप जी नू पावन ओ काम ना कुआने जो आप तो बेमुख हो अंतर जामी सतगुर जीओ आप जी ने बख्शिश रहमत कृपा कीती है हो मूरख कारे लाहिया नानक हर कमे पातशाह जीओ अमृत तो लहके हूँ तक आप जी दे सोने सतखंड दरबार अंदर दुवान सजे हैं चार श्री अखंड वन्या साहब जी का प्रवाह चालिया दो नितनेम नाम जपण दी दो आप जी दे बख्शे हुए तारे जहान ले अभिमान जिन्नी दर्शन पाया जिन्नी तुनू धन गया तिना मनेड़ ना आया गुरदेशां दे पाठां दी हुण तां बक्तां ते रहमतां हो रही बाकी समय भी कृपा करनी रोज ते बैठण दी मन दी एकाग्रता बखनी मन नीवा मत उच्ची बखनी अपनी सेवा आप लैनी अपने कारज आप सवारने उपरंत मुन्नी साहब जी दे पाठ होए हन धन धन सतगुरु संगता साहब जीओ आप जी का जीवन चरित गुर इतिहास हो है आनंद साहब छे पौड़ियां दे पाठ होए हन बाणी पढ़द्या होया नाम जपद्या होया बाणी सुनद्या होया बच्चियां सेवकां पासों अनेकां प्रकार दियां गलतियां ते बेतियां हो गया अनजान बच्चे समझ के माफ करना अगों तो समर्थ बखनी शुद्ध बाणी पढ़न दी बल उदम उत्साह ते प्यार बखना आई हुई सबत सतंग दे कार जरास करने कदम लेखे लावने गाव्या सुनया थाई पौना कह जियो अरदास ते बेनती है आप जी का महान फरमान है सतगुरु आयो शरण तुहारी मिले सुख ना मर शोभा चिंता लाहे अमारी रहाओ अवर न सूझै दूजी ठायर हार परो तो द्वारे लेखा छोट अलेखा छूटै हम निर्गुण लियो उबारी सत बख्शिंद सदा मेहरबाना सबना दे आधारी नानक दास सन पाठै परियो राख लियो हो बारे जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई तोई ही देवे नानक दास मुक्ते जो बोले इया उवा सच होवे
शब्द नूं मुख दे पातशाह जीओ जो जो माई भाई आप जी दे सोहणे सतखंड दरबार अंदर अरदासां ते बेनतियां करियां सरबत सा तंग दियां शुभ मनोकामना पूर्ण करनियां सरबत सा तंगत नूं नाम दान इशनान चाप दार बच के आदियां ब्यादियां उपाध्य बचा के चरणा दा प्यार बखना सा तंग दी सेवा बखनी मन नीवा मत उच्ची बखनी मेहर भरिया हाथ चखना धन धन सतगुरु संगता चह दियो आप जी की बख्शिश रहमत कृपा हो रही है एको बाणी एक गुरु एको शब्द विचार सच्चा सौदा हर सच्चा रतनी भरे भंडार शब्द नूं मुख रख दे सब ते उत्तम हर की कट्ठा नाम सुन दर दुख लत्ता पोथी परमेश्वर का ठाउं साहब जीओ आप नो आग्ञा लै के आप दे सोहणे सरूप पोथी साहब जी का अमृत चले प्रकाश होया सी उपरंत धन धन सतगुरु संगता चह दियो आप जी का जीवन स्थित गुर इतिहास होया इस वक्त आप तो आग्ञा लै के आप दे सोहणे सरूप पोथी साहब की सेवा होनी है सुहारा साहब होएगा आग्ञा ते प्रवानगी बखनी बख्शिश करनी रहमत करनी अते अपने निज स्थान ते जान की कृपालता करनी परिवार नूं अते सर्वता तंग नूं सदा वास्ते हर प्रकार दियां खुशियां दी दात बखनी आप जी दे भरग जान चों कड़ा प्यार देगा हाजर है आप जी रत्ती लायक होवे आप जी दा चीत प्रचार सर्वता तंग ते वरते सही सज्जन मिलने जिन्ना मिलिया आप जी दा सोहणा पवित्र नाम चेतावे श्री गुरु नानक नाम जल्दी कला तेरे पाने सरबत का भला बोले तन गया तेन जम नेड़े न आया तारिया जान लिया अभिमान जिनी दर्शन पाया जिनी तुझनु तन गया तेन जम नेड़े न आया तारिया जान लिया अभिमान जिनी दर्शन पाया जिनी तुझनु तन गया तेन जम नेड़े न आया तारिया जान लिया अभिमान जिनी दर्शन पाया जिनी तुझनु तन गया तेन जम जिनी तुझनु
ਧਨ ਗਿਆ ਤਿੰਨ ਜਮ ਨੇੜੇ ਨਾ ਸਭ ਕੇ ਤੁਮ ਦੇ ਮਾਂਗੇ ਨਾ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਪ੍ਰਭ ਜੀਵਾ ਗੁਣ ਗਾਏ ਆਨੰਦ ਬਨੋੜ ਮੰਗਲ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਏ ਦਿਆਲਾ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਪਏ ਜਗ ਪੀਤਰ ਹੋਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਰਖਵਾਲਾ ਸੁਣੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰੇ ਸ਼ਰਮ ਕਲਾ ਬਣ ਆਏ ਪ੍ਰਗਟ ਪਈ ਸਗਲੇ ਜੋਗੇ ਅੰਤਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡੇ ਆਏ ਪ੍ਰਗਟ ਪਈ ਸਗਲੇ ਜੋਗੇ ਅੰਤਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡੇ ਆਏ ਜੈਤਰੀ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਘਰ ਦੂਜਾ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਰ ਹਰ ਸਿਮਰੋ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਦੁੱਖ ਮਿਟੈ ਅਮਹਾਰਾ ਹਰ ਹਰ ਸਿਮਰੋ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਦੁੱਖ ਮਿਟੈ ਅਮਹਾਰਾ ਹਰ ਹਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਿਲਾਵੋ ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਹੋਈ ਰਾਮ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਮੀਤ ਹਮਾਰੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਰੱਖੋ ਉਰ ਤਾਰੇ ਹਰ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਸੁਣਾਵੋ ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਰਾਮ ਮਾਡ ਸੂਡਨ ਹਰ ਮਾਡੋ ਪਰਾਨ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੀਟ ਲਗਾਨ ਹਰ ਹਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਗੁਰ ਮੇਲੋ ਪੁਰਖ ਨਰਿੰਜਨ ਸੋਈ ਰਾਮ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਦਾ ਤੁਕ ਦਾਤਾ ਹਰ ਕਹਿ ਰੰਗ ਮੇਰਾ ਮਨ ਰਾਤਾ ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਗੁਰ ਮੇਲੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸੁਖ ਹੋਈ ਰਾਮ ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਗੁਰ ਮੇਲੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸੁਖ ਹੋਈ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਦਾ ਜੈ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ।